वडोदरा का प्रोफेसर माणिक राव का अखाड़ा जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर। ये अखाड़ा कम और क्रांतिकारियों की गतिविधि का केंद्र ज्यादा था। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों से भी ये बात छिपी नहीं रही होगी। अंग्रेजों की पैनी नजर इस अखाड़े की गतिविधियों पर हमेशा रहती थी। प्रोफेसर माणिक राव के द्वारा गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को तैयार करने का जो भगीरथ और पुण्य कार्य होता था, ये धीरे धीरे अंग्रेजों के पास भी पहुंचने लगा था। ऐसा संदेह था कि लंदन से वीर सावरकर ने जो पिस्तौलें भेजी हैं, ये पिस्तौल जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में कहीं पे छुपा के रखी हुई है। 1910 के आसपास की बात है, तब अंग्रेजों ने आधी रात को इस जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर पे छापा मारा, पूरे अखाड़े की जमीन तक खोद ली और एक छोटी सी कुइया जो जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में आज भी है, उस कुइया से पूरा पानी निकाल कर, पानी खाली करके वहां पर भी देखा गया, कुछ नहीं मिल पाया। प्रोफेसर माणिक राव को अंदाजा होने लगा था कि अब अंग्रेजों की नजर हमारी गतिविधियों पर है, और इसीलिए वे मन ही मन योजना बनाने लगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के सामने अखाड़े की स्थिति को स्पष्ट किया जाए। उस समय गंगाधर पंत देशमुख नाम के अंग्रेजों के एक वरिष्ठ अधिकारी को अखाड़े की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष रूप से वहां पर रखा गया था। तत्कालीन वडोदरा के रेसिडेंट मिस्टर कॉब ये और गंगाधर पंत मिलके अखाड़े को हमेशा किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी गलत गतिविधियों में सम्मिलित करके अखाड़ा बंद करवाना चाहते थे। इस विभाग के महानिर्देशक मिस्टर क्लीवलैंड ये वडोदरा आने वाले थे। प्रोफेसर माणिक राव ने इस प्रसंग का उपयोग करते हुए, इस अवसर का उपयोग करते हुए एक जाहिर कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया। महाराजा साहब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का स्वीकार किया और मिस्टर क्लीवलैंड को इस कार्यक्रम के अतिथि विशेष के रूप में निमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। मिस्टर क्लीवलैंड ने निमंत्रण स्वीकार किया और प्रोफेसर माणिक राव स्वयं, गंगाधर पंत देशमुख और मिस्टर कॉब उस समय के रेसिडेंट, इन दोनों को निमंत्रित करने के लिए गए। दोनों ने आश्चर्यचकित होते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार किया। आखिर वह दिन आ पहुंचा जब महाराजा साहब की अध्यक्षता में मिस्टर क्लीवलैंड अतिथि विशेष के रूप में विराजमान थे और उनकी बगल में गंगाधर पंत देशमुख बैठे हुए थे, दूसरी तरफ इंग्लिश रेसिडेंट मिस्टर कॉब बैठे हुए थे, और एक के बाद एक दंड, बैठक, सामूहिक सूर्य नमस्कार और अंत में गोपुरम पिरामिड के द्वारा उस कार्यक्रम का समारोप हुआ। प्रोफेसर माणिक राव ने खड़े होकर इस अखाड़े की आज तक की गतिविधियां, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में सबके सामने एक विवरण रखने का प्रयास किया। अतिथि विशेष के रूप में मिस्टर क्लीवलैंड खड़े हुए, उन्होंने कार्यक्रम में हुई प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए अनुशासन के महत्व के बारे में बात की, और अंत में उन्होंने जो कार्यक्रम में आज्ञाएं स्वदेशी भाषा में दी गई थी, उसकी टीका करते हुए कहा कि इस प्रकार की आज्ञाएं अगर अंग्रेजी में होती है तो इसकी असर ज्यादा होती है। उसके बाद गंगाधर पंत खड़े हुए, उन्हें तो स्वामी भक्ति करनी थी, इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में स्वामी भक्ति करते हुए अंग्रेजी में आज्ञाएं देना कितना असरकारक हो सकता है, उसके महत्व का विवरण किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में अंत में महाराजा साहब कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने स्वदेशी भाषा में दी जाने वाली आज्ञाओं का महत्व समझाते हुए अपनी बात को पूर्ण किया।
और उन्होंने सबके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी भाषा में दी जाने वाली आज्ञा ये ज़्यादा असरकारक है या स्वदेशी भाषा में दी जाने वाली आज्ञाएं असरकारक है, इसका परीक्षण अभी यहाँ पर सबके सामने हो जाना चाहिए। मिस्टर क्लीवलैंड खुद खड़े हुए और वहाँ पर उनकी जो पलटून उपस्थित थी उस पलटून के सामने अंग्रेजी में कड़क आज्ञाएं देते हुए अपना सार्वभौमत्व सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। उनके बैठने के तुरंत बाद महाराजा साहब की आज्ञा लेकर प्रोफेसर माणिकराव खड़े हुए। प्रोफेसर माणिकराव का पोशाक संपूर्ण रूप से स्वदेशी पोशाक था। उस स्वदेशी पोशाक में खड़े हुए प्रोफेसर माणिकराव के मुंह से निकली हुई स्वदेशी भाषा की एक एक आज्ञा वहां पर बैठे हुए लोगों के मनोमस्तिष्क पर असर कर रही थी। एक एक आज्ञा के बाद तालियां बज रही थी और 4.5 मिनट के उस निदर्शन के बाद महाराजा साहब ने मंद मंद मुस्काते हुए अपनी विजय पताका लहराती हुई देखी। स्वदेशी भाषा का विदेशी भाषा के ऊपर विजय देखने को मिला और महाराजा साहब का यह प्रयोग कहीं ना कहीं अपने देशाभिमान को जागृत करने का एक उच्च प्रयास था। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप उसके बाद भारत के ज्यादातर देशी रजवाड़ों में सैन्य में स्वदेशी आज्ञाएं देना फिर एक बार शुरू हुआ।